अरे रुको भाई, आपको किससे मिलना है? वो रघु से। रघु साहब तो बाहर गए हैं। बाहर गए तो कोई असिस्टेंट है? हाँ एक मिनट, बुलाता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। किससे मिलना है आपको? रघु से, दोस्त मेरा। कहाँ? वो तो बाहर गए हैं। मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बाहर गए? वो बहुत जरूरी काम है उससे। आपका नाम? श्याम। ओ, आप तो उनके करीबी दोस्त हैं। आपके बारे में अक्सर बात करते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं मेरे बारे में? जी ऐसा तो कुछ नहीं, बस आपका नाम सुना है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ, वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए। कितने चाहिए आपको? चेंज चल चलेगा, बस थैंक यू। क्या साहब, एक बाटला और लाओ। क्या साहब, कुछ सोडा वोडा लाओ। हाँ या क्या क्या काम? हाँ रघु, इतने दिनों बाद मिला है। अकेले अकेले बैठ के पी रहा है? नहीं, मैं पी नहीं रहा हूँ। मैं खाना खाना आया था ना, दारू से पी रहा मैं। मैं पूछ लो तू। साहब और कुछ मांगता? रहो रहो। बेबी। हाँ। आज तो तुम्हें जाना ही चाहिए। कहाँ? चाचा जी से मिलने। मुझे नहीं जाना है, तुम जाओ। बेबी, चाची जी ने कल फोन किया था फिर भी तुम नहीं गई? जरा सुनो तो। बेबी, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश करो। वो अभी बीमार हैं, हो सकता है कोर्ट कचहरी के बिना ही तुम्हारा काम बन जाए। नहीं लल्लू। बेबी, जब आदमी बीमार होता है तो कमजोर होता है, उसकी सोच अलग होती है। बेबी, उसे जज्बातों के जरिए आसानी से काबू में लाया जा सकता है। लोहा गरम है, यही सही वक्त है चोट करने का। श्याम, श्याम, चोट तो नहीं लगी? हाँ? नहीं माँ जी। उठो। मैं ठीक हूँ। उठो, चलो मैं तुम्हें अंदर छोड़ देती हूँ। नहीं। आओ। नहीं, मैं चला जाऊंगा। श्याम, रघु ने जब पहली बार तुम्हारे बारे में बताया था मुझे, मुझे लगा तुम कितने हसमुख होगे। मुझे लगा तुम जरूर इस घर की रौनक बढ़ाओगे। मैं जानती हूं तुम्हें कुछ गम है। गम किसे नहीं होता, हर एक के जीवन में कोई ना कोई गम तो होता है, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम अपने आप को इस तरह बीमार कर लो। भाई, आपने आपने मुझसे कहा था ना कि जब कभी भी कोई बात करनी हो तो कहां से शुरू करूं? दरअसल ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। खैर, हो गई सो हो गई, लेकिन इस शादी की वजह से मेरा सबसे अच्छा दोस्त रघु मुझसे दूर चला गया।
ठीक है, मैंने बर्दाश्त कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन लेकिन कोई ना, मेरी गुड़िया, मैंने अपने हाथों में खिलाया उससे, अपने हाथों में अपना हर सुख हर दुख, छोटी से छोटी बात मुझसे कहती थी वो। मालूम है मुझसे क्या कहती थी? मुझसे कहती थी, श्यामू चाचा वो मेरी माँ मेरे लिए खाना लेकर क्यों नहीं आती है? सब बच्चों के मैं लाती है, मेरी माँ क्यों नहीं लाती है? मैं क्या बता, सब बात करती थी मुझसे, लेकिन अब वो मुझसे दूर भागती। लेकिन उसमें भी उसका दोष नहीं है। मुझे इस हाल में पहले कभी देखा नहीं ना उसने। लेकिन भाजी मैं आज भी वही श्याम हूं। मैं आज भी अपने कोयना के लिए कुछ भी कर सकता हूं। कोयना के लिए, रघु के लिए मैं जान दे सकता हूं माया जी। लेकिन सब मुझसे बिछड़ रहे, सब मुझसे बिछड़ रहे। मैं बहुत अकेला रह गया हूं माया जी। देखो श्याम, इसका एक ही उपाय है, तुम ये पीना छोड़ दो। आप जा रहे थे शायद कहीं बाहर, मैंने आपको रोक लिया। कहीं बाहर जा रहे थे ना आप? तुम्हें कैसे पता? आप जाइए, आप मेरे जैसे आदमी के लिए क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? जाइए आप। ऐसे नहीं कहते श्याम। जाइए, अपना ध्यान रखना। लीजिए, जूस पी लीजिए, पी लीजिए ना भाई, मुझे भूख नहीं है। क्या बचपन है भाई, पी लीजिए थोड़ा सा। अरे रत्ना, आओ बेटा आओ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, तुम जरूर आओगी। आओ देखिए, रत्ना आई है। माँ, डैडी, डैडी मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। वो मैंने आपको बहुत दुख दिया है, मुझे मालूम है डैडी, मैं आप मुझसे बड़े हैं, क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? डैडी, डैडी मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ किया उसकी वजह से आपकी ये हालत हो गई है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से ही हुई है। तो आप मुझे माफ करेंगे ना डैडी? हाँ बेटा, तुम्हारे डैडी तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। आरती, माफ उसे किया जाता है जो माफी के काबिल हो। जो कुछ इसने किया है उसके लिए मैं इसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। मैं इसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता और मैं अपने जहन से इसकी याद तक मिटा चुका हूं। इसे कह दो कि आइंदा मुझे डैडी कहने की हिमाकत तक न करे। आपने बिल्कुल वही सब कहा जिसकी मुझे आशा थी डैडी। आपको क्या लगा?
मैं सचमुच आपसे माफी मांगने आई हूँ। अच्छा ही हुआ आपने ये सब कहा मुझे, क्योंकि जो कुछ अब मैं कहने वाली हूँ उसके लिए रास्ता ही साफ किया है आपने। अब से आपकी और मेरी सिर्फ एक ही लड़ाई होगी, हक की। रत्ना, माँ, इन्हें क्या लगता है इनके पास जो प्रॉपर्टी है, जायदाद है, दुकानें हैं, मकान है, वो सब इनके खून पसीने की कमाई है? आपने उसके लिए मेहनत की थी डैडी, वो सब आपको विरासत में मिला था, वो आपकी पुश्तैनी जायदाद है। और तो और, वो सब आपको आपके पिता से नहीं मिला बल्कि ससुराल से तक मिला। और क्योंकि मैं आपकी इकलौती संतान हूं इसलिए उस पर मेरा हक है। माँ, अब से मैं इनसे सिर्फ एक ही जबान में बात करूंगी और वो होगी कानून की जबान। रत्ना, आरती से कहो कि यहां से दफा हो जाए। कम ऑन, गेट आउट। चलो चलो। रत्ना सुनिए, फोन करना है अर्जेंट। हाँ माँ जी, कीजिए कीजिए। शाम बहुत बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बेहोश पड़ा है। ये लोग फोन क्यों नहीं उठाते? डेबी, फोन उठाओ ना। क्या? हेलो हेलो हेलो, रत्ना, रत्ना मैं माया बोल रही हूँ। देखो शाम की तबीयत बहुत खराब है, बीमार है वो, तुम्हें तुरंत आना होगा। देखिए मैं अभी नहीं आ सकती, मैं काम कर रही हूँ। मैं काम खत्म करके आऊँ? नहीं रत्ना, वो बेहोश पड़ा है, तुम्हें अभी आना होगा फौरन। आप फिर मुझे बता रही कि मुझे क्या करना है? बेबी, किसका फोन था? कुछ नहीं, जाओ तुम। क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं सूरज, मेरा एक काम करोगे? रघु भैया और शारदा को फैक्ट्री में फोन करके बुला लो, शाम बेहोश पड़ा है, मैं उसके पास जाती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं अभी करता हूँ। हेलो,